मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको समांतर चतुर्भुज के सदिशों के समांतर चतुर्भुज के योग का नियम या सम ऑफ वेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम लॉ की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप जरा ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या करना है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है। इसके लिए हमें यहाँ पर देखना है ये चित्र जो आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से है, तो हम उसे देखेंगे सबसे पहले और तत्पश्चात समझेंगे कि कैसे इसको ड्राइव करना। पहले चित्र को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब इसमें से हम बात करेंगे कि इन्हें इस तरह से बढ़ाया जाएगा कि एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कराएंगे। तो आप देखेंगे बी के समांतर एक रेखा खींची और ए के समांतर एक रेखा खींचते हैं तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। तो देखते हैं समांतर चतुर्भुज है, दोनों यानी पैरेललोग्राम है। ये देखिए, इसके पैरेलल ये वाली लाइन है और इसके पैरेलल ये वाली लाइन है और देखते हैं कि जो डायगोनल होता है यह आपका यहाँ दिया है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अब इसका जो स्टेटमेंट कहा जाता है कि जब दो वेक्टर्स क्या होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड, यानी आप समझ सकते हैं कि दो संलग्न भुजाओं के रूप में अगर प्रदर्शित हों तो उनका जो परिणामी रिजल्टेंट होता है वह उनके डायगोनल या विकर्ण से क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतनी बात तो समझ में आ गया, पहला स्टेटमेंट है इसका। स्टेटमेंट के बारे में जरूर ध्यान देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा क्या है सिस्टम, इसे अब सॉल्व करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये हमारा जो चित्र दिख रहा है आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है भाई, तो चित्र दिख रहा है तो हमने क्या किया कि पहला नंबर तो हमने बी और ए को यहाँ से इसके समांतर एक बना दिया, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ में आ गई। पैरेललोग्राम जब बन गया तो अब जरा ध्यान देंगे इसके बाद हमें क्या करना होगा। अब इसमें हमें 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक प्रोसेस करना होगा, तो हम करें क्या, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्यू क्यू को नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया और पी को आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो ये देखिए एक 90 डिग्री का एंगल बन के तैयार होता है। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अब हम इसमें से ये देखिए जो रिजल्टेंट है वो कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा, बट दोनों उसके वेक्टर्स के बीच में जो कोण बन रहा है वो कौन सा है, थीटा। तो इसका मतलब यह भी क्या होगा, थीटा होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब ध्यान से जरा देखेंगे कि ट्रायंगल हम किस में आते हैं, तो ट्रायंगल का पहले नाम देख लेते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है और उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रायंगल लेंगे वो जरा ध्यान दीजिए कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पी क्यू ई की बात कर रहे हैं, पी क्यू ई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, पी क्यू ई। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर और कर्ण मतलब हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो हम देख रहे हैं साइन थीटा क्यू, लंब कितना है क्यू ई देखिए, और क्या है आपका क्यू पी जो है वो आपका ये है हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसे निकाल लिया। अब हमको पता है कि सबकी वैल्यू निकाल के रखनी है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी। आप देख सकते हैं कि क्यू ई बराबर कितना आएगा, क्यू ई बराबर आया क्यू पी साइन थीटा, और क्यू ई अब देखिए क्यू पी की वैल्यू जो है हमारा इसी के पैरेलल है, इस नाते इसे भी हमने क्या मान लिया वेक्टर बी, तो क्यू ई बराबर कितना आ गया, बी साइन थीटा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है भाई, अब आप ध्यान से देखेंगे इसी ट्रायंगल में, अब हम देखेंगे बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन देखते हैं तो उसे कहते हैं कॉस। ठीक है, कॉस निकाल लिया और हमने पी ई निकाला तो बी कॉस थीटा आता है। इस तरह से दो इक्वेशन आपको मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा सबसे सिंपल काम होगा कि हम क्या करें, कौन सा ट्रायंगल लें, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल एक लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सिंपल सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा जो है यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे बड़ा ट्रायंगल ओ क्यू ई लेते हैं और इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। तो ओ क्यू ई में जब हम बात करेंगे, तो जब लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ओ क्यू इज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ओ पी ओ ई का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर और प्लस क्या होगा आपको, हो गया क्यू ई का स्क्वायर, क्यू ई का स्क्वायर। ठीक है भाई, स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम आगे से देखते हैं, ध्यान देंगे तो इस प्रकार से आप आ सकते हैं। तो इससे पहले पेज पर तो देखें ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर।
अब जानते हैं ओ ई हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, जरा ध्यान से देख सकते हैं आप। ओ यहाँ पर देख सकते हैं कि ओ ई जो हमारा है, देखिए ये ओ ई जो है पूरा, इसको जरा ध्यान से देखिए, ओ ई जो है ओ पी प्लस पी ई है, ध्यान दीजिएगा, ओ ई ओ पी प्लस पी ई है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं क्या कंडीशन आएगी, यहाँ आप ओ ई की जगह क्या रखे, ओ पी प्लस पी ई रख दिया और इसका स्क्वायर करके इसे जोड़ दिया। अब ओ पी की वैल्यू कितनी है, ओ पी की वैल्यू आपको दिख रही है ए है, ठीक है, जरा चित्र में देखिएगा, ठीक है, ओ पी की वैल्यू ए है और ओ एस या क्या कहते हैं आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू, देखिए ये बी साइन थीटा हो गया था और बी कॉस थीटा हो गया था। अब सारी चीज़ें आप वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या कंडीशन आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ ये ओ क्यू बराबर कितना आएगा, ओ क्यू बराबर ओ क्यू का स्क्वायर, इसको स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ओ पी प्लस पी ई का स्क्वायर प्लस टू ओ पी ओ ई। ये इसको देखो खोलते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में खोलते हैं, इस तरह से हमें पता चलता है कि पी ई स्क्वायर, यहाँ पर आप देखते हैं क्या कंडीशन आएगा, पी ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, इस तरह से भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं तो क्या कंडीशन आता है, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस टू ओ पी क्यू। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने पहले निकाल दिया साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसके आधार पर इसमें वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू जब रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।